रात के 1 बजे हो रहा है केक पार्टी, देख लीजिए। ये देखिए आज मस्त इंद्रधनुष निकला हुआ है, तो आप लोग को दिखा रहा दे। दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी है शाम का वक्त, 6 बजने वाला है, हम हैं छत के ऊपर और आज व्यू बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं पीछे इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, तो हम ये ब्लॉग बना रहे हैं आप लोग को इंद्रधनुष दिखाने के लिए। तो चलिए हम आपको बैक साइड के कैमरास दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों इंद्रधनुष धीरे धीरे छिप रहा है, कितना अच्छा नज़ारा है ना, बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इंद्रधनुष। और आशु भी मेरे साथ आया है, देखिए इधर का व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। हम लोग रहते हैं बेंगलोर में, इधर ही रहते हैं जब से शादी किए हैं तब से। हमारा तो घर नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो इधर ही गुजारा होता है बेंगलोर में ही। हम इंद्रधनुष आप लोग को दिखा दिए और यहाँ पे हमारा आशु मस्ती कर रहा है ना। आशु मस्ती कर रहे हो, बोल दो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम आए थे ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब के लिए, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई दिया, तो हम सोचे कि चलो आज इंद्रधनुष वाला ब्लॉग बना लेते हैं आप लोग को दिखा दे। वैसे गाँव में कभी ना कभी दिखाई देता ही है, लेकिन हम सिटी में पहली बार देख रहे हैं। पता है जब से बेंगलोर में आए हैं तब से पहली बार, शायद निकला होगा कभी कभार लेकिन हम देखे नहीं थे। और इस बिल्डिंग में है तब से, तो हम पहली बार देख रहे हैं इंद्रधनुष से। देखिए ये वाला इधर टेरेस है, इधर से ये दूसरा टेरेस है, उधर वो साइड साइड में इधर है नारियल का पेड़, कर्नाटक में तो मिलेगा ही आपको। और आशु अपना टॉयस देखिए कैसे फेंका है। तो चलिए चलते हैं नीचे, आ जाइए जल्दी आइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बोलो चलो बोलो। देखिए नहीं बोलूँगा, बोलता है आशु बदमाश। तो हम लोग गए थे सब्जी लेने के लिए मार्केट, तो देखिए हमने क्या क्या लेके आए। हम लाए हैं मशरूम और ये पाव पाव किलो सब्जी लाए हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब एक एक पाव। परवल लाए हैं, बहुत महंगा है सब्जी बेंगलोर में। पता है जो मशरूम का पैकेट है ना, ये है 45 रुपीज़, 45 रुपये का। और परवल दिया हमको 30 रुपये पाव, मतलब 120 रुपये किलो। और ये राजमा भी 120 रुपये किलो। और ये वाला जो सब्जी है वो 80 रुपये किलो, क्या बोलते हैं उसको, बरबट्टी। इतना महंगा है बताइए। हम इतना ही सब्जी लाएं और ये पूजा करने के लिए फूल लेकर आए हैं और धनिया का पत्ती। और यहाँ पे कुछ राशन लेकर आए, ये दूध है शायद, हाँ ये दूध दूध वगैरह लाए थे। और केला लाए थे, आशू ने बोला कि मम्मा केला चाहिए, तो उसके लिए हम केला ला दिए। और वो ना वहाँ पे देखा था अंगूर पर्पल कलर वाला, तो ये ले दिए। वो बोला खाऊंगा बोल कि ये भी 120 रुपये किलो, तो हम एक पाव ही लिए। बोले कि एक पाव ही दे दो, खाएगा कि नहीं पता नहीं। तो थोड़ा खट्टा था, हम खा के देखे, थोड़ा मीठा था। ये भी 30 रुपये के लिए थे। और केला ना सस्ता हुआ थोड़ा, 50 रुपये किलो था, लेकिन आज लिए तो 30 रुपये किलो पड़ा। और दो विमजिल लिए हैं, एक हैप्पी के लिए हैं, बर्तन धोने के लिए ख़त्म हो गया था। तो और ये वाला है वो कच्चा वाला राजमा है, देखिए 30 रुपये पौवा दिया इसको भी। आंसू देखिए कैसे मंडरा रहा है, सबको छू रहा है, पता है वैसे ही कुछ भी लाएँगे। देखिए क्या बोल रहा है, अंगूर खाऊँगा बोल रहा है वो। देखो पिचका दिया, पिचका दिए, नहीं नहीं पिचकाया नहीं है, वो पहले से पिचका हुआ है। तो ये है राशन, हम राशन के पैकेट किधर रख दिए थे, मतलब थोड़ा सा राशन बोलिए। अब कोलगेट सर्फ, साबुन, नहाने का साबुन और दाल, बस इतना ही लाए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले कमाते हैं ना, एक ही बार हम नहीं भर पाते राशन, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस इतना ही लाए, कुछ नहीं लाए। और पूजा करेंगे आज, ए फूल नहीं खुदना। देखिए देखिए इसका कान, देखिए कैसे कर रहा है। तो देखिए आशु पापा काम से आ गए और लाए हैं केक। अभी टाइम हो रहा है रात के 1, और देखिए ये वाला केक लाए हैं, मतलब ऑर्डर कैंसिल हो गया उनका, तो ये वाला केक मिला। तो बताइए रात के 1 बजे भी मेरा आशु उठ गया केक खाने की, हाँ दे रहे हैं। अब देखिए आशु कैसे केक कट करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कर, नहीं 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 इधर कर, ये रो रहा है कि मैं कट करूँगा। हाँ चलो कट करो, कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, आशु का तो बर्थडे नहीं है
ऑर्डर कैंसिल हुआ तो आंसू केक मिल गया है ना। देखिए कैसे काट रहे हैं आंसू, केक कट कर रहे हो। ओ महाराज जी हमेशा बोलते रहता है हैप्पी बर्थडे खाएंगे। देखिए चॉकलेट केक है, मम्मा काट देते हैं। दीजिए दीजिए चॉकलेट केक है जी। वाह खुश हो गया। देखिए अल्ले बाबा कैसे पकड़ोगे, कूल केक है एकदम से रस वाला। पूरा चॉकलेट केक है, कैसे पकड़ेंगे बोलो। खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए।